चलो, ए बॉडी ऑफ मास एम के थ्रो अपवर्ड विद वेलोसिटी 2 मीटर, इट मोमेंटली कम टू रेस्ट आफ्टर अटेंडिंग ए हाइट 80 मीटर, हाउ मच एनर्जी लॉस ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। देखो ये जो क्वेश्चन है वही मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और रिसेंटली अभी भी आया था, 2019 में भी आया था। ठीक है, तो ये यहाँ से एक बॉडी 1 kg है, मास इसका 1 kg है और इसको मैं ऊपर फेंकूंगा। ठीक है, चलो मान लिया ऊपर फेंक दिया, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, हाईएस्ट पॉइंट पे आ गई। विद वेलोसिटी ए बॉडी थ्रोन 20 m/s से हमने इसको फेंक दिया, अब ये ऊपर जाएगा हाईएस्ट पॉइंट तक। क्लियर है, अब ये जो हाइट है वो 18 m है यार, ये जो हाइट है वो 18 m है। क्लियर है, हाउ मच एनर्जी लॉस ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। जब आप इस बॉल को ऊपर फेंक रहे हो प्यारे बच्चों, इस बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, तो आपको ऊपर फेंकने के बाद कितने फोर्स लग रहा है इस पे, देखो कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी किधर लग रही है, mg नीचे लग रही है। ठीक है, और जब बॉल ऊपर जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट तक गया है, तो एयर का फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस भी, एयर का फोर्स भी नीचे ही लग रहा है, दोनों नीचे लगते हैं। एयर का जो विस्कस फोर्स होता है वो मोशन के अपोजिट लगेगा, वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा, mg हमेशा नीचे लगेगी, अगर बॉल नीचे आएगा तो ये एयर का फोर्स ऊपर लगने लगेगा। चलो, तो हाउ मच एनर्जी लॉस ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। ठीक है, एयर फ्रिक्शन से कितनी एनर्जी लॉस हुई, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम मास ऑफ द बॉड 1, वेलोसिटी वी का स्क्वायर कितने से फेंका गया था, ये 400। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 200 joule, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 200 जूल आ गया, और अब यहाँ से ऊपर जाएगा, दिस इज द वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज, यहाँ से ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी कितनी वर्क करेगी यार, अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन बाई द ऑल द फोर्सेज, ऑल द फोर्सेज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब बॉल ऊपर जा रहा है तो उस पर 2 ही फोर्स लग रहा है, वर्क डन बाई द ग्रेविटी और वर्क डन बाई द एयर मस्ट बी इक्वल टू 200 joule। तो ग्रेविटी जो है, जब वो बॉल ऊपर जा रहा था तो ग्रेविटी निगेटिव वर्क कर रही है, तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना हो जाएगा यार, माइनस एम जी एच, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है बॉल नीचे है, तो माइनस एम की वैल्यू 1, और मास कितना है भैया, मास 1 kg है, हाइट कितना गया, 18 m गया, और जी की वैल्यू 10, माइनस 180 joule, माइनस 180 joule इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 180 joule और प्लस वर्क डन बाय द एयर, तो कुल मिला के मुझे मिलेगा 200, तो वर्क डन बाय द एयर हमें मिल जाएगा 20 joule। कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई, ओहो, देर इज साइन लिटिल मिस्टेक, जब ऊपर गया था तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, एम जी नीचे लगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर लग गया, ये सही है। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, वर्क डन फाइनल, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 0, और यहाँ एक माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो माइनस 200 joule, ये माइनस 200 joule, ये माइनस 200, ये माइनस 200, ये प्लस 20 joule, तो वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस वो प्लस 20 joule आएगा। तो क्या ये प्लस 20 joule आएगा, क्या ये बात सही है, चलो देख लेते हैं कि क्या एयर का वर्क डन पॉजिटिव है। वर्क डन बाय द एयर इज प्लस 20 joule, टोटल वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क, ग्रेविटी नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ग्रेविटी का वर्क डन निगेटिव, और एयर रेजिस्टेंस नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो एयर इस पे, हाँ दिस इज एक्चुअली द वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो रेजिस्टिव फोर्स है दैट इज वर्क डन बाय द एयर, ठीक है, वो हम, वो मैं देखो हम लोग गलती कर रहे हैं यहाँ,
वर्क डन बाई द रजिस्टिव फोर्स यहाँ पे आ जाएगा, वो निगेटिव आएगा ना भाई, ठीक है, हाँ माइनस 20 जूल। तो माइनस 20 जूल जो कि सही है, एयर रेजिस्टेंस नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर रहा लग रहा है, ठीक है। तो एयर का वर्क डन निगेटिव आया, ग्रेविटी नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा, तो ग्रेविटी का वर्क डन निगेटिव आया, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो भी निगेटिव है, ठीक है।